भारतीय संस्कृति में वस्त्र का बड़ा ही महत्व माना जाता है, इसीलिए धार्मिक आयोजनों के समय विशेष वस्त्रों को धारण किया जाता है। इसी की सीख देने का काम खरगोन की कुंदा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर और श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर की समितियों ने किया है, जिन्होंने मर्यादित तो कपड़े पहनकर ही मंदिर में आने का नियम लागू कर दिया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खरगोन शहर में प्राचीन ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर और श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर समितियों ने मंदिर के बाहर बाकायदा बैनर लगाया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर नहीं आए, क्योंकि इससे धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग होती है। मंदिर समितियों का कहना है कि सभी श्रद्धालु, विशेषकर युवा और बच्चों को संदेश दिया गया है कि छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर मंदिर दर्शन करने नहीं आए, ताकि धार्मिक भावना मजबूत हो। जैसे भारतीय संस्कृति में धार्मिक आयोजन होते हैं या किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमें हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी परंपरा के हिसाब से वस्त्र पहन के जाना चाहिए। और आजकल के नया यूथ फैशन के दौर में मिनी स्कर्ट, छोटे टॉप और फटी हुई जीन्स फैशन के हिसाब से पहन के आते हैं। मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों में हमारी संस्कृति के लिए उनके जागरूकता आए। जो श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में जो निर्णय लिया है, इसकी वजह से खरगोन के अन्य मंदिरों में भी जागरूकता आएगी और यहाँ की जनता में भी जागरूकता आएगी। मंदिर समिति ने जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सोच समझ के निर्णय लिया है, और ऐसे निर्णय हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि हमारे समाज को एक संदेश अच्छा मिले। और हमारे समाज को संदेश अच्छा मिले, और हम ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म में थोड़ी जागरूकता आए, हिंदू अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाए, और ये बदलाव लाने से क्या होता है कि देश में एक अच्छी जो है संदेश मिलेगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश में ये जो कपड़े जो हटे पुराने जो पहनने का जो चलन चला है, ये सबसे पहला तो ये है कि टीवी में देख के ये चलन चला है। हमारे यहाँ की जैसे टीवी में कोई सीरियल हो या पिक्चर हो, उसमें जो महिलाएँ पहनते हैं वो मार्केट में वो चीज़ आती है और वही जो है ख़रीदने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि महंगा सस्ता क्या है, बस वो फैशन। आज के ज़माने में हमारे यहाँ फैशन ने बहुत बड़ा जो है देश को बिगाड़ के रखा है। हमारे यहाँ रोक इसलिए लगाना चाहिए कि हम जो जैसे यदि हर व्यक्ति जैसे पेंट शर्ट पहन के आता है वो ठीक है, पर बेल्ट और मोजे भी पहन के आता है वो गलत है। कायदा ये होना चाहिए कि मंदिर में यदि आप आ रहे हैं तो एक लुंगी या सोलिया पहन के आप आना चाहिए, और बाकायदा एक कुर्ता आप खरीद लो, और वो कुर्ते को आप अपने घर में वापस मंदिर से जाने के बाद रख दो। अब लोग क्या करते हैं कि जब मंदिर आते हैं तो पूरा बेल्ट मोजे पहन के आते हैं और यहीं से दुकान जाते हैं। सनातन संस्कृति के हिसाब से वस्त्रों को पहनने की भी अपील की गई है, जिसे अन्य मंदिरों के लिए एक मिसाल कहा जा सकता है। वहीं अब देखना होगा कि क्या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी ऐसी ही परंपरा लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज़, खरगोन।